हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज आप क्या करेंगे उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी या राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी, भूमि भवन से लाभ होने वाला है या कचहरी में आज आपको विजयश्री मिलेगी या पुराने मित्रों से धन लाभ होगा, ये सारी बातें बताएंगे। महिला मित्र से आज आपको क्या लाभ होने वाला है इस पर भी बात करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करें जो आपके लिए बेहतर हो। विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, आयात निर्यात का योग है या नहीं, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आपको और किस फील्ड में प्रयास करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिले, सरकारी नौकरी, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस में अगर आप एग्जाम देते हो तो उसमें कैसे सफलता मिलेगी, ये भी आज हम आपको बताएंगे। गुरुजनों से कैसे आपके संबंध रहेंगे वो भी मैं आज आपसे बात करूंगा। आपको क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करने हैं और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा और कैसे आपको सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, ये सारी बातें बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में कोई भी प्रयास करेंगे तो आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप स्कूल, कॉलेज, कोई भी इस क्षेत्र में अगर व्यापार की प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने कम प्रतियोगी परीक्षा दिया है शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए, यदि आज रिजल्ट आ रहा है तो उसमें आज आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। संतान के अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो संतान सुख भी मिलने की संभावना बन रही है। माली हालत आपकी अच्छी होगी, महत्वाकांक्षाएं जो भी होगी पूर्ण होते हुए दिख रहा है। यदि साझेदारी में आपने प्लान किया है तो एकदम न करें, नहीं तो उसमें नुकसान हो सकता है। आपका पुराना मित्र मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा और आपका रुका हुआ धन मिलने से आपकी माली हालत सुदृढ़ होगी। बहुत जबरदस्ती जल्दबाजी में किसी कार्य करने की प्लान न करें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना बन रही है। यदि आप सरकार में या सरकार से कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आज आपको लाभ होते हुए दिख रहा है। यदि आप राइटर हैं, लेखक हैं, किताब लिखना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, चाहते कहीं विदेश में आपका एडमिशन हो जाए, विदेश पढ़ने जाना चाह रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। उसमें आपको आशातीत सफलता मिलते हुए दिख रही है और अनेक प्रकार के क्षेत्रों से आज आपको सफलता मिलेगी। दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखें, जो बात आपको खराब लगती है उस तरह की भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ न करें। संतान सुख मिलेगा, पत्नी सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी की हेल्थ और वेल्थ को लेकर के मन प्रसन्न हो सकता है। पत्नी को सरकारी नौकरी, उच्च पद मिलने की संभावना बन रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु जी की आराधना करें। आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है पीला। हरे कृष्ण।